नमस्ते दोस्तों, सभी लोगों का आभार, सभी लोगों का शुक्रिया। एमपीपीसीएस मेंस की सीरीज को आज हमको डिस्कस करना था। जैसा कि कल के प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपके साथ चर्चा भी की थी कि पेपर थर्ड में साइंस जिसका वेटेज सबसे ज्यादा है, डे वन से स्टार्ट होने वाला और डे एंड तक चलने वाला सब्जेक्ट जो है, इसमें बहुत से स्टूडेंट को बहुत सी परेशानियां थी। निश्चित रूप में उन परेशानियों के सोल्यूशन के लिए ही आधार एकेडमी की ओर से दरअसल में ये कोर्स जो है ये शुरू किया जा रहा है, ताकि आप परेशान ना हो, बेहतर तरीके से अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग कर सकें। तो इसीलिए मैं सौरभ नामदेव आधार एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं वो टॉपिक जिसका हम कर रहे थे बड़े बेसब्री से इंतजार कि मेंस की हो प्रिपरेशन कैसे, मेंस को कैसे किया जाए बेहतर। तो इसके लिए कल पूरी की पूरी स्ट्रेटजी मैंने आपके साथ डिस्कस की थी, सीधे सीधे आज हम मुद्दे पर उतरते हैं। सबसे पहले एमपीपीएससीएस मेंस जो पेपर थर्ड है उसमें बायोलॉजी जो है ये पेपर थर्ड में पार्ट थर्ड ही है, और बायोलॉजी में सबसे पहला टॉपिक जो है सूक्ष्म जीव और जैविक कृषि, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिक फार्मिंग। इससे रिलेटेड 3 मार्कर 5 मार्कर 11 मार्कर क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, आज मैं आपको एक एक करके बहुत अच्छे तरीके से इनको पढ़ाऊंगा, इनको समझाऊंगा, ताकि आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर कर सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए उस चीज को लेकर जिसको लेकर आप सबसे ज्यादा परेशान हो रहे थे। अब आपको परेशान होने की नहीं बल्कि बेहतर तरीके से कवर करने की जरूरत है सिलेबस को। तो लीजिए, सबसे पहले सूक्ष्म जीव और जैविक कृषि, ये बायोलॉजी का पहला चैप्टर है। आपके सामने दोनों मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम में, क्वेश्चन में सबसे पहले आपको बता रहा हूं, लगभग मैंने 3 मार्कर के 40 क्वेश्चन निकाले हैं सबसे पहले वाले सेगमेंट से, मतलब सूक्ष्म जीव से 40 जो सबसे बढ़िया क्वेश्चन है एग्जाम में जो आ सकते हैं, सबसे ज्यादा जिनकी प्रबल संभावना है पूछे जाने की, वो कौन कौन से हैं। तो मैंने दोनों लैंग्वेजेस का बराबर ध्यान रखा है ताकि किसी भी प्रकार की किसी भी मीडियम के स्टूडेंट को कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए एक एक करके मैं आपको बताता चलता हूं, थोड़ा सा शॉर्ट व्यू भी देता चलता हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन है और कहां कहां से क्या क्या चीज पूछी जा सकती है। तो सबसे पहले शुरुआत हम 3 मार्कर से ही कर रहे हैं, ज्यादातर हम 3 मार्कर को ही डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले माइक्रोब का मतलब होता है सूक्ष्म जीव, इनके बारे में 3 मार्कर हमको निश्चित रूप में लिखना है। माइक्रोब के बारे में सबसे पहली इन्फॉर्मेशन यदि हमको मिलती है तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, जिसको RH Whitaker ने दिया था, निश्चित रूप में ये हमारा दूसरा 3 मार्कर क्वेश्चन है। इसके बाद जब हम माइक्रोब को पढ़ते हैं या सूक्ष्म जीवों को पढ़ते हैं तो निश्चित रूप में बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस, एल्गी, इनको पढ़ते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि द कनेक्टिव लिंक बिटवीन एल्गी एंड फंगस, लाइकेन जो है उसको सैवाल और कवक के बीच की संयोजक कड़ी कहते हैं। तो इस तरह से 3rd नंबर से लेके 8th नंबर तक ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हैं एग्जाम्पल, उदाहरण। लेकिन 3-3 मार्कर में पूछा जाएगा तो क्या लिखेंगे आप, निश्चित रूप में तैयारी तो शुरू कर दिए होंगे आप, या नहीं किए हैं तो निश्चित रूप में अब से आपको तैयारी शुरू कर देनी है। मैं इस तरह के आपको बराबर क्वेश्चन देता चलूंगा। इसके बाद आप खुद देखिए कि इस चैप्टर से और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है लुई पाश्चर। भला सूक्ष्म जीव में लुई पाश्चर का क्या काम, या सूक्ष्म जीवों के लिए लुई पाश्चर ने कुछ किया है, क्या लुई पाश्चर की अवधारणाएं या लुई पाश्चर का इतिहास सूक्ष्म जीवों से जुड़ा है, यह हम देखेंगे। इसी तरह से फर्मेंटेशन प्रोसेस, किण्वन प्रक्रिया, मतलब यदि कोई मुझे पूछे कि अभी तक के सबसे ज्यादा पोटेंशियल क्वेश्चन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कौन सा है, निश्चित रूप में किण्वन प्रक्रिया या फर्मेंटेशन प्रोसेस। इसके बाद जाइमेज एंजाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जाइमेज एंजाइम यीस्ट से निकाला जाता है, और शायद आप लोगों में से बहुत कम लोगों को पता होगा, या जितनों को भी पता है तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता उनको मैं बता रहा हूं, इस दुनिया का सबसे पहला एंजाइम जाइमेज ही तो है, जिसको एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म यीस्ट से हमने एक्सट्रैक्ट किया था। इसके बाद एंटीबायोटिक मेंस में 3 मार्कर के लिए सबसे पोटेंशियल क्वेश्चन,
परंतु वर्तमान समय में ज्यादातर लोगों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, पेट संबंधी प्रॉब्लम है, तो आप में से ज्यादातर लोगों ने यालकुट जरूर पिया होगा, या यालकुट नहीं तो दही का सेवन जरूर किया होगा। निश्चित रूप में ये जो है ये प्रोबायोटिक कहलाते हैं। तो प्रोबायोटिक जो है बिल्कुल इनका नेचर एंटीबायोटिक के अगेंस्ट है। अब ये क्या है मैं इनको आगे डिस्कस कराऊंगा। इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण परजीनी फसलें, मतलब परजीनी फसलों का सूक्ष्म जीवों से क्या रिलेशन है, तो मैं आपको सिर्फ एक क्लू दे रहा हूं। आपने नाम सुना होगा बीटी बैंगन का, आपने नाम सुना होगा बीटी कॉटन का। तो बीटी बैंगन, बीटी कॉटन या गोल्डन राइस, ये जो फसलें हैं इन्हीं को कहते हैं ट्रांसजेनिक क्रॉप, या इन्हीं के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। और ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, बीटी बैंगन में या बीटी कॉटन में, बीटी दरअसल में एक बैक्टीरिया है जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है, जिसे हम कहते हैं बैसिलस थुरिनजेंसिस। मतलब बीटी बैंगन और बीटी कॉटन जैसी फसलें बैक्टीरिया मतलब सूक्ष्म जीव की मदद से बनकर तैयार हो पाती हैं। और इसके बाद यदि मैं आपसे पूछूं कि बैक्टीरिया जो है बैसिलस थुरिनजेंसिस उसके अंदर जाते हैं क्राइवनेसी जीन निकालते हैं, और फिर हम बैंगन मतलब ब्रिंजल या निश्चित रूप में कॉटन के सीड के अंदर इसको इम्प्लांट कराते हैं, तो प्रोसेस काफी लंबी है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसको पढ़ते हैं जो बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है, ये सब हमको मेंस में पढ़ना है, तो इसके बारे में मैं सब आपको बताऊंगा। 2020 में मेंस में क्वेश्चन आया जैविक उपचार, इंग्लिश में बायो रेमेडिएशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है निश्चित रूप में इसको भी बताऊंगा। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखिएगा, वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड ये प्रोसेस है, अपशिष्ट प्रबंधन निराकरण के लिए दरअसल में इस प्रोसेस को लाया गया है बायो रेमेडिएशन को। फिर इसके बाद फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग का मतलब होता है खाद्य विषाक्तता, तो खाद्य विषाक्तता के लिए भी कुछ सूक्ष्म जीव उत्तरदायी होते हैं। खाद्य विषाक्तता जो है उसको दूर किया जा सकता है, या खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचाया जा सकता है खाद्य संरक्षण के द्वारा या फूड प्रिजर्वेशन के द्वारा। तो क्या होती है ये टेक्निक, ये भी मेंस में 3 मार्कर में पूछ सकता है। इसके बाद साइनोबैक्टीरिया, जिनको हिंदी में कहते हैं नील हरित शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद काइटिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 काइटिन को ये चीज जरूर सुनी होगी, कवकों की सेल वॉल किससे मिलकर बनती है, जी हां काइटिन से मिलकर बनती है। और कवक जो है मतलब यीस्ट, वो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक कोशिकीय जीव है, तो यीस्ट जो कि एक कोशिकीय जीव है उसकी सेल वॉल किससे मिलकर बनती है, काइटिन से। कॉकरोच का आउटर स्केलेटन सिस्टम या कॉकरोच का बाह्य कंकाल तंत्र या कॉकरोच का एक्सोस्केलेटन सिस्टम भी दरअसल में काइटिन से मिलकर बनता है। और काइटिन प्रकृति में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है, लेकिन सेलुलोज के बाद टॉट। क्लोरेला एल्गी के बारे में तो आप सब जानते हैं कि क्लोरेला एल्गी जो है निश्चित रूप में ये वो एल्गी है जिस पे स्पेस रिसर्च की जाती है, या जिसकी मदद से स्पेस रिसर्च की जाती है। एस्ट्रोनॉट जब भी अंतरिक्ष में जाते हैं तो निश्चित रूप में अपने भोजन के लिए या न्यूट्रिशनल वैल्यू के लिए क्लोरेला एल्गी का यूज जरूर करते हैं। तो एल्गी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत आती है, यूनिसेलुलर भी हो सकती है एल्गी और मल्टी सेलुलर भी हो सकती है, मतलब सवाल या तो एक कोशिकीय भी हो सकती है और बहुकोशिकीय भी हो सकती है, इसलिए क्लोरेला एल्गी के बारे में स्पेशली आपसे चीजें पूछी जाती हैं। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण चीज, सूक्ष्म जीवों को जब आप पढ़ते हैं तो नो डाउट बैक्टीरिया, फिर उसके बाद प्रोटोजोआ, फिर उसके बाद फंगस, फिर उसके बाद एल्गी और लाइकेन। काफी सारे लोग सूक्ष्म जीवों में वायरस को इंक्लूड नहीं मानते, क्यों? वायरस जो है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लेकिन ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी है, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। इसी वजह से कई बार जो सूक्ष्म जीवों की कैटेगरी होती है उसमें वायरस को हम नहीं रखते हैं बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगस, एल्गी के साथ में, लेकिन है तो बेसिकली ये भी एक तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है। वायरस से निश्चित रूप में कोरोना वायरस वर्तमान समय में जिस कारण से हम लगभग 2 साल घरों में
लगभग लगभग या हम बोल सकते हैं कि जिस तरह से जेल में कैदी बंद होता है उसी तरह से जो हम रहे हैं निश्चित रूप में ये इसी बीमारी के कारण, कोरोना वायरस के कारण। तो इस पर भी आपसे लेख निश्चित रूप में थ्री मार्कर में तो पूछा जा सकता है। अगर आपको वायरस के बारे में, क्योंकि वर्तमान सिनेरियो में ज्यादातर वायरस ही दो साल चला, तो निश्चित रूप में वायरस से जुड़ी हुई टर्मिनोलॉजी आपको बननी चाहिए। तो ये दो इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, वीरियोइड्स और दूसरा है प्रियॉन्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आपको आनी चाहिए। इसके बाद कोरोना वायरस, ये तो मैं पहले ही डिस्कस कर चुका। फर्स्ट वायरस, मैं वायरस को इसलिए प्रमोशन कर रहा हूं, सूक्ष्म जीव हमारा चैप्टर है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा चैप्टर है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ वायरस को ज्यादा कंसीडर करेंगे या वायरस के बारे में ज्यादा स्टडी करेंगे। क्यों? क्योंकि पिछले दो साल में जिस सूक्ष्म जीव ने सबसे ज्यादा कहर ढाया है निश्चित रूप में वो कोई और नहीं बल्कि कौन है? कोरोना वायरस। तो इसी वजह से जो फर्स्ट वायरस है उसका नाम आपको पता होना चाहिए, टोबैको मोज़ेक वायरस, जिसे हम टीएमवी वायरस कहते हैं। इसके बाद स्टरलाइजेशन ऑफ मिल्क किसे कहते हैं? निश्चित रूप में दूध को गर्म करना, लुई पाश्चर ने इसे डिस्कवर किया था। ब्लीचिंग पाउडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोगों ने शायद कभी नाम सुना होगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, इसी को तो दरअसल में कहते हैं हम ब्लीचिंग पाउडर। और ब्लीचिंग पाउडर जो है इसको पानी में डालते हैं, कौन सी गैस रिलीज होती है जो बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देती है? ये पीटी का क्वेश्चन है, आगे चलते हैं इसके बारे में देखेंगे। डिसइंफेक्टेंट विसंक्रामक क्या कहलाते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जितने क्वेश्चन मैंने आपको अभी बताए ये सब 3-3 मार्कर में आपको लिखने हैं, लेकिन मैं लगभग लगभग जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी वीडियोज हैं यूट्यूब पर, उन सबको देखते हुए निश्चित रूप में न्यूज़पेपरों में माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जो भी थ्योरीज चल रही हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए फाइनली 40 सबसे बेहतर क्वेश्चन निकाल के लाया हूं, जिनको आपको 3 मार्कर में अभी से अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलना है, जिसमें कि जब एंड टाइम आपके पास आए तो निश्चित रूप में ये सारा सब्जेक्ट आपका A to Z कवर होना चाहिए। और वैसे भी मेंस में दूसरे सब्जेक्टों का बर्डन ज्यादा है, तो अगर आप इस सब्जेक्ट को अभी से करते चलेंगे डे बाय डे तो निश्चित रूप में आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। चलिए जल्दी से मिलाता हूं कुछ और क्वेश्चनों से। एंटीसेप्टिक, जनरली कभी चोट लग जाती है तो उस जगह पर आयोडीन टिंचर आप लगाते हैं या KMnO4 लगाते हैं जिसको हम कहते हैं लाल दवा, ये सभी के सभी एंटीसेप्टिक बिहेवियर शो करते हैं। अब ये क्या होते हैं एंटीसेप्टिक या पूर्तिरोधी, ये मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा। BOD, जल की शुद्धता का मापन करने की BOD जो है वो एक विधि है, और इसी तरह से यदि आपको BOD पता है तो COD भी पता होना चाहिए, मतलब जल संक्रमण निवारण के लिए इन दो मेथड को जो वाटर सिस्टम या वाटर मैनेजमेंट वाले लोग हैं वो इनको यूज करते हैं। फिर उसके बाद माइकोराइजा किसे कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद इकोलाई, आप लोगों के पास लार्ज इंटेस्टाइन होगी, लार्ज इंटेस्टाइन जिसका काम वाटर एब्जॉर्प्शन करना है, उसी में दरअसल में एक सेगमेंट होता है उसे कहते हैं कोलोन, और कोलोन में एक बैक्टीरिया पाया जाता है ई कोलाई, और यही तो बनाता है फिलोक्विनोन, मतलब विटामिन के, और फिर विटामिन के जो है वो ब्लड में मिल जाता है और ब्लड क्लॉट की प्रोसेस में हेल्प हो जाती है। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि ई कोलाई पे 3 मार्कर जो है वो पूछा जा सकता है, क्योंकि ई कोलाई दरअसल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आने वाला बैक्टीरिया है। इसके बाद माइकोप्लाज्मा गैलेसेप्टम, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनेगा, जितने भी जीवाणु हैं जितने भी बैक्टीरिया हैं उसमें सबसे छोटा बैक्टीरिया यदि कोई है तो उसे कहते हैं माइकोप्लाज्मा गैलेसेप्टम, परंतु माइकोप्लाज्मा गैलेसेप्टम से एक छोटा, उससे भी छोटा एक बैक्टीरिया अभी हाल ही में डिस्कवर किया गया है, हालांकि ये 3-4 साल पहले की बात है, माइकोप्लाज्मा नेक्रोसिस। तो माइक्रोप्लाज्मा नेक्रोसिस सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो बैक्टीरिया है। इसके बाद बैक्टीरियोफेज, हिंदी में इसको हम कहते हैं जीवाणु भोजी, गंगा नदी का जल स्वच्छ रहता है, सकल लोक जगपावनी गंगा, निश्चित रूप में आपने ये वक्तव्य जरूर सुना होगा, उसमें साइंटिफिक सबसे बड़ा जो योगदान है गंगा नदी को स्वच्छ बनाने में वो एक सूक्ष्म जीव का ही है, और दरअसल में वो एक वायरस है, हालांकि वो वायरस बैक्टीरिया को अपना भोजन बनाता है या बैक्टीरिया को दरअसल में फूड के रूप में एक्सेप्ट करता है, इसलिए नाम पड़ गया बैक्टीरियोफेज। एंड देन इसके बाद रेट्रोवायरस, माइकोलॉजी, और सबसे इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म का चैप्टर है, तो याद रखिएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के क्या एडवांटेज होंगे
और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के क्या डिसएडवांटेज होंगे, निश्चित रूप में इसी पर 5 मार्कर का क्वेश्चन बनेगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीव क्या है और उनके लाभों को लिखिए, एडवांटेज को डिस्क्राइब कीजिए। सूक्ष्म जीव क्या है, इनसे संबंधित हानियों को डिस्क्राइब कीजिए, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, इनसे रिलेटेड डिसऑर्डर को बताइए। सूक्ष्म जीव क्या है, इनके निराकरण के लिए कौन कौन सी मेथड यूज की जाएंगी, और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लास्ट में पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन कि सूक्ष्म जीवों का योगदान क्या होता है, या सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे शत्रु हैं कि मित्र हैं, फ्रेंड्स हैं कि एनिमी हैं, डिस्क्राइब कीजिए। 11 मार्कर में क्वेश्चन पहुंच जाएगा, तो आपको निश्चित रूप में उनका योगदान मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन और उनका ड्रॉबैक मतलब उनके दोषों को दरअसल में लिखना है, और इस तरह से ये सेगमेंट हमारा हो जाएगा कंप्लीट। तो दोस्तों हैं बिल्कुल सिंपल सी बातें कि बैक्टीरिया से कौन कौन सी समस्याएं होती हैं, 3 मार्कर में पूछेगा, तो नाम पता होना चाहिए, जैसे डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस, टीबी हो गई, हैजा हो गया, निश्चित रूप में लेप्रोसी हो गया, ये आपको पता होना चाहिए। वायरस से होने वाली डिसीजेस में कोरोना वायरस, फिर इसके बाद फ्लू, जिसमें स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू, फिर इसके बाद में आप लोगों ने बहुत सारी डिसीजेस का नाम ऑलरेडी सुना होगा, चाहे तो आप चेचक सुनते होंगे, चाहे तो आप इबोला सुनते होंगे, चाहे तो आप निपा सुनते होंगे, ये सभी वायरल डिसऑर्डर हैं। प्रोटोजोअल डिसऑर्डर की अगर बात करें तो जैसे मलेरिया जो है सबसे कॉमन प्रोटोजोअल डिसऑर्डर है, प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है, फिर इसके बाद है स्लीपिंग सिकनेस मतलब सोने की बीमारी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मस्तिष्क ज्वर, जिसको कहते हैं निश्चित रूप में सोने की बीमारी। तो सोने की बीमारी, स्लीपिंग सिकनेस और काला जार एक रोग होता है, ये दोनों के दोनों प्रोटोजोअल डिसऑर्डर हैं। तो कहने का मतलब सीधा सा है कि आपको सूक्ष्म जीवों के पहले चैप्टर में, या सूक्ष्म जीव क्या है इस चैप्टर में, ये 40 क्वेश्चन जो हैं ये आपको बहुत अच्छे तरीके से करने हैं। अभी से इनको आपको अपनी कॉपी पर नोट डाउन करना है। निश्चित रूप में दोनों मीडियम के स्टूडेंट आप लोग ये काम करना स्टार्ट करेंगे, अपने अपने पास जो इन्फॉर्मेशन है उसको कुछ समय बाद निश्चित रूप में इनमें से, अब देखिए 40 के 40 को तो मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता, लेकिन कुछ जो सेलेक्टिव होंगे, जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, उनको मैं डिस्क्राइब करके आपको बिल्कुल बताऊंगा। तो दोनों मीडियम के स्टूडेंट का बराबर ध्यान रखा है, हिंदी और इंग्लिश। निश्चित रूप में आप लोग अभी से या आज से ही ये टास्क लेने शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब हम कल मिलेंगे बेटा जी, तो हम कल मिलेंगे डिस्कस करते हुए ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब जैविक कृषि, परसों हम सेल के ऊपर बातें करते मिलेंगे, फिर अगले डेज में हम निश्चित रूप में न्यूट्रिशनल वैल्यूज के ऊपर के क्वेश्चन को पुट अप करते हुए मिलेंगे, मतलब हर दिन बदलते सूरज के साथ, हर दिन जाती रात के साथ जब अगले डे पे हम होंगे, तो निश्चित रूप में नए और यूनिक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आपके पास भी टाइम हो जाएगा कि एक पर्टिकुलर डे पे मुझे ये सारे क्वेश्चन राइट डाउन करने हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज 2 से 3 लाइनें ही हैं अब, तो 2 से 3 लाइनों में आपको कंटेंट जो देना है वो इथिकल देना है, सारगर्भित देना है, रियल कंटेंट देना है। तो अब पहले की तरह 4-4, 5-5 लाइनों में आंसर नहीं लिखने, सिर्फ 1 और 2 लाइन ही एनफ है, लेकिन वो 1 से 2 लाइनों में जो आपका आंसर लिखा जाएगा वो बहुत बेहतर होना चाहिए, या बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ क्वेश्चनों की, जिनके साथ हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोनों मीडियम जो हैं उनका बराबर मैंने ध्यान रखा है, शुरुआत हम यहीं से करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, परमात्मा के संदर्भ में एक बात है कि वो शायद ही कहीं ऐसी जगह हो जहां पर परमात्मा नहीं होगा। परमात्मा के बाद यदि कोई दूसरा अपनी दावेदारी सबसे ज्यादा पेश करता है कि मैं हर जगह विद्यमान हूं, वो कोई और नहीं बल्कि सूक्ष्म जीव ही है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है। तो कभी भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 3 मार्कर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो हम यहीं से शुरुआत करेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये हर जगह मौजूद है, मतलब सर्वव्यापी है। जैसे जल में मौजूद होता है बैक्टीरियोफेज जो गंगा नदी के जल को स्वच्छ करता है, लेकिन ये वायरस है। जल में ज्यादातर नदियों में, यदि जिन नदियों में बैक्टीरियोफेज वायरस नहीं होगा, वहां एक जीवाणु पाया जाता है डेल विब्रियो विक्टियो वोरस जीवाणु, और ज्यादातर नदियों के जल के शुद्धिकरण में इसी जीवाणु की भूमिका होती है, टेल विब्रियो विक्टियो वोरस। तो जीवाणु जो जल में पाए जाते हैं और जो वायरस जल में पाए जाते हैं, मैंने बताया कुछ जो जीवाणु होते हैं या कुछ जो वायरस होते हैं ये हवा में पाए जाते हैं, जैसे कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी, टीबी का बैक्टीरिया माइको बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जिसको रॉबर्ट कोच ने खोजा था,
24 मार्च 1882 को। निश्चित रूप में ये कहां पाए जाते हैं? ये वायु में पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृदा में पाए जाते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा, क्या नाम सुना होगा? नाम सुना होगा आपने ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, बैसिलस थुरिनजेंसिस, जिससे ट्रांसजेनिक क्रॉप बनती हैं। आप निश्चित रूप में नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले सूक्ष्म जीव का नाम कैसे भूल गए? राइजोबियम और ब्रेडी राइजोबियम या बैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस। तो ये बैक्टीरिया जो है सॉइल में पाए जाते हैं, मतलब ज्यादातर सूक्ष्म जीव जो है वाटर में भी पाए जाते हैं, ज्यादातर सूक्ष्म जीव हवा में भी पाए जाते हैं, ज्यादातर सूक्ष्म जीव जो है निश्चित रूप में थल में भी पाए जाते हैं, मतलब सॉइल में भी पाए जाते हैं। तो सूक्ष्म जीव हर जगह विद्यमान होते हैं, विविध रूपायतित संरचना है, मतलब ज्यादातर जीवाणु रॉड शेप स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो है वो कोकस गोलाकार संरचना में पाए जाते हैं। निश्चित रूप में कुछ जो प्रोटोजुअल हैं उनका आकार गोल भी हो सकता है, और कुछ प्रोटोजुअल चप्पल के आकार के भी होते हैं, मतलब सूक्ष्म जीव जो हैं वो उनका डायमेंशन जो है वो मल्टीपल हो सकता है या बहुत सारे स्ट्रक्चर में हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जीव तो इतने छोटे हैं, दरअसल में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो सजीव है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेकिन ये इतने छोटे हैं कि नेकेड आई से, साधारण आंखों की सहायता से हम इनको नहीं देख सकते हैं, और यदि हमको इनको देखना है तो निश्चित रूप में हमको किनका सहारा लेना होगा? माइक्रोस्कोप का सहारा लेना होगा। और मैं आपको एक काम की बात बताऊं, अगर माइक्रोस्कोप की अगर मैं बात करूं तो उसके डिस्कवरर है जॉनसन, लेकिन माइक्रोस्कोप का एक स्पेशल टाइप है, आपने शायद सुना होगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसको एमपीपीएससी प्रीलिम्स ने पूछा था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वह माइक्रोस्कोप है जिसके जरिए हम सूक्ष्म जीवों में या माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो सबसे स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे बैक्टीरिया और वायरस, इनको देखते हैं, क्योंकि जब तक हम इनके स्ट्रक्चर को ड्रॉ नहीं करेंगे, जब तक हम इनकी संरचना को नहीं देखेंगे, इनको समाप्त करने के लिए, मतलब बैक्टीरिया को समाप्त करने के लिए कभी भी एंटीबायोटिक नहीं बना सकते हैं, और वायरस को समाप्त करने के लिए कभी भी इंटरफेरॉन प्रोटीन नहीं बना सकते हैं, इसलिए हमको पहले बैक्टीरिया और वायरस के स्ट्रक्चर को देखना होगा। तो जनरली सूक्ष्म जीवों की मदद, सूक्ष्म जीवों को सूक्ष्मदर्शी नामक यंत्र की सहायता से देखा जाता है, लेकिन उस सूक्ष्मदर्शी यंत्र का स्पेशल नाम है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड, सूक्ष्म जीव क्या है ये हमने पढ़ा, उदाहरण क्या है सूक्ष्म जीवों के? तो निश्चित रूप में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के यदि हम टाइप की बात करें, सूक्ष्म जीवों के प्रकार की बात करें, तो निश्चित रूप में जीवाणु, प्रोटोजोआ मतलब परजीवी, फंगस मतलब कवक, और एल्गी मतलब शैवाल। और दूसरी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं यही बता दूं, फंगई मतलब कवक, शैवाल मतलब एल्गी, इनके बीच की जो कड़ी है उसे हम कहते हैं लाइकेन। तो याद रखिएगा ये सभी के सभी जो हैं ये किस कैटेगरी में आएंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आएंगे। कौन? फंगई और एल्गी। लेकिन लाइकेन जो है ये पेड़ों के तनों पर पाई जाती है, तो ये मल्टी सेलुलर है, और ये निश्चित रूप में किस में कंसीडर नहीं की जाएगी? सूक्ष्म जीवों में या माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इसको हम कंसीडर नहीं मानेंगे। तो फाइनल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डिवीजन जो है उसमें नंबर वन पे बैक्टीरिया, दूसरे नंबर पे प्रोटोजोआ या पैरासाइट या परजीवी बोल सकते, फंगई, एल्गी, और सबसे महत्वपूर्ण चीज मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जितने भी जीव हैं, सूक्ष्म जीव हैं, ये सभी सजीव हैं, लेकिन वायरस जो है ये कनेक्टिव लिंक है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की। तो इसी वजह से कई बार माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जब हम टाइप को डिस्कस करते हैं तो कई बुकें जो हैं वो वायरस को यहां पर जगह नहीं देती, क्योंकि वायरस जो है वो एक नॉन लिविंग दरअसल में ऑर्गेनिज्म मान सकते हैं हम उसको। तो ये चीज आप जरूर याद रखेंगे, ये आपसे पूछी भी जाती है। अब इसके जस्ट बाद में माइक्रोबायोलॉजी, अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म जैविकी। विज्ञान की तीन शाखाओं में पहली फिजिक्स, दूसरी केमिस्ट्री और तीसरी बायो है। बायोलॉजी के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं जब सूक्ष्म जीवों का, जो पर्टिकुलर सेगमेंट में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं ना, उसी को माइक्रोबायोलॉजी या उसी को सूक्ष्म जैविकी कहते हैं। याद रखिएगा सूक्ष्म जैविकी का पिता जिसे कहा गया है वो कोई और नहीं बल्कि फ्रांसीसी रसायनज्ञ या फ्रांसीसी केमिस्ट हैं, जिनको हम कहते हैं लुईस पाश्चर।
क्योंकि लुईस पाश्चर जो हैं इनको माइक्रोबायोलॉजी का हम फादर कहते हैं या सूक्ष्म जैविकी का हम इनको पिता कहते हैं। क्यों? क्योंकि लुई पाश्चर ने सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे रिसर्च करनी शुरू की थी, और न केवल उन्होंने रिसर्च की थी, बहुत सी इस तरह की खोज, बहुत सी इस तरह की डिस्कवरी, बहुत सारे इस तरह के उन्होंने चीजों का पता लगाया था जो मानव जाति के लिए आज भी बहुत बड़े माइलस्टोन से कम नहीं है। तो अगला जो क्वेश्चन है वो यहीं से इंस्पायर है। लुई पाश्चर जो है ये मेंस में 3 मार्कर क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले लुई पाश्चर के बारे में जो चीज आपको पता होना चाहिए कि सूक्ष्म जीवों पर या माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर सबसे पहले रिसर्च आपके द्वारा ही की गई थी, इसी वजह से माइक्रोबायोलॉजी का फादर हम किन को कहते हैं? लुईस पाश्चर को कहते हैं। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनेगा, लुई पाश्चर ने ही सबसे पहले, ध्यान से सुनिएगा, खमीर, खमीर का मतलब होता है यीस्ट, और यीस्ट जो है वो सिंगल सेलर एनिमल है, एक कोशिकीय जीव है। तो एक कोशिकीय जीव है जिसका नाम है खमीर, उसी के कारण फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है, ये पूरी दुनिया को बताया था। और आज फर्मेंटेशन प्रोसेस के कारण ही वाइन इंडस्ट्री और बेकरी इंडस्ट्री सबसे जबरदस्त तरीके से सर्वाइव कर रही है। तो कहने का मतलब है कि खमीर पर सबसे पहले रिसर्च किसने करी, जो एक तरह की फंगस है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत आता है, नो डाउट लुईस पाश्चर। वायरस पर भी सबसे पहले आपने ही रिसर्च की है, निश्चित रूप में आपने एक चीज तो जरूर सुनी होगी, लुईस पाश्चर का जिक्र जब भी आता है कि उन्होंने रेबीज का टीका बनाया था या हाइड्रोफोबिया का टीका उनके द्वारा ही डिस्कवर किया गया था। तो कुत्ते के काटने के कारण बहुत सारे लोगों को हाइड्रोफोबिया की समस्या हो रही थी, रेबीज की समस्या हो रही थी, और वो लोग कुछ समय के बाद मर जा रहे थे, या पानी से पहले डरते देन उसके बाद मर जाते। तो किस तरह से समस्या को ट्रीट किया जाता, तो लुईस पाश्चर वो सबसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या किया, रेबडो वायरस, जो रेबीज वायरस, जो रेबीज बीमारी के लिए रोग कारक बनता है, उस पर सबसे पहले रिसर्च आपने ही करी। मतलब आपने पूरी दुनिया को बताया कि कुत्ते के काटने पर वास्तविकता में कुत्ते के जो नाखून होते हैं या कुत्ते के जो दांत होते हैं उसमें रेबडो वायरस होता है, या इसी को कहते हैं लाइजा टाइप वायरस 1 जो है ये व्यक्ति के ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है और तंत्रिका तंत्र सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर अधिकार कर लेता है, जिससे व्यक्ति को दिक्कत और परेशानी होनी शुरू हो जाती है। इसके बाद उन्होंने एक जीवाणु के इंपॉर्टेंस को भी बताया, नो डाउट जिसे हम कहते हैं लैक्टोबैसिलस, निश्चित रूप में दूध से दही निर्माण में इस जीवाणु की भूमिका जो है वो सबसे बेहतर है। और इसके जस्ट बाद में यदि मैं आपसे पूछूं कि और क्या बताया था, तो मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिए, क्या लुईस पाश्चर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सूक्ष्म जीवों पर रिसर्च तो की, कौन कौन से सूक्ष्म जीवों पर रिसर्च की, सबसे पहले फंगस खमीर पर रिसर्च की, वायरस पर रिसर्च की, जीवाणु पर रिसर्च की, और जब वो जीवाणु पर रिसर्च कर रहे थे ना तो दूध का पाश्चराइजेशन मेथड जो है वो आपके द्वारा ही सबसे पहले बताया गया, जिसको हम कहते हैं दूध का निर्जर्मीकरण या दूध का पाश्चरीकरण या स्टरलाइजेशन प्रोसेस ऑफ मिल्क, ताकि दूध जो है वो खराब ना हो। क्वेश्चन निश्चित रूप में एकदम सिंपल है, लेकिन आपको लैंग्वेज जो है वो बिल्कुल याद रखनी है। जैसे अगला जो है फर्मेंटेशन, किण्वन प्रक्रिया, तो किण्वन प्रक्रिया के बारे में भी सबसे पहले इंफॉर्मेशन निश्चित रूप में किसने दी थी, फ्रांसीसी पर्सन है लुई पाश्चर ने दी थी। उन्होंने बताया था कि फर्मेंटेशन प्रोसेस में ऑर्गेनिक सब्सटेंस को हम ऑक्सीजन के एब्सेंस में सड़ाते हैं, कार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब सड़ाते हैं, तो एक बात हमेशा याद रखेगा इस दुनिया में किसी भी सब्सटेंस को सड़ाने में ऑक्सीजन की भूमिका सबसे ज्यादा है, लेकिन फर्मेंटेशन प्रोसेस में या किण्वन प्रक्रिया में ऑक्सीजन की प्रेजेंस ही नहीं है। मतलब फर्मेंटेशन प्रोसेस जो है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है, इसलिए हम इसे कहते हैं अनाक्सी श्वसन पर आधारित प्रक्रिया या एनारोबिक रेस्पिरेशन पर बेस प्रोसेस है दरअसल में ये। तो इस प्रोसेस में यदि हमको वेस्ट मटेरियल को सड़ाना है तो निश्चित रूप में हम कंपार्टमेंट को ढक देते हैं, उसके अंदर अपने आप जो है कुछ यीस्ट आते हैं, और यीस्ट जो है, मेरी बात याद रखिएगा, ये यीस्ट जो है जो एक तरह की फंगस है, एक तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनसे निकलता है जाइमेज एंजाइम, और जाइमेज एंजाइम ही दरअसल में मटेरियल को, ऑर्गेनिक मटेरियल को क्या करता है, सड़ाता है निश्चित रूप में, जिससे CO2 गैस रिलीज होती है और निश्चित रूप में एनर्जी जनरेट होती है।
कहने का सिंपल सा मतलब है कि जटिल कार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीजन की एब्सेंस में जब हम रॉट करते हैं या सड़ाते हैं तो उस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं। फर्मेंटेशन प्रोसेस में निश्चित रूप में हमको इस चीज की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? सबसे पहले जब उन्होंने ये प्रोसीजर किया था तब एक खमीर जिसका नाम है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, इसकी जरूरत पड़ती है। और सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी नामक यीस्ट अपने अंदर से निकालता है जाइमेज एंजाइम, और यही जाइमेज एंजाइम फिर उसको सड़ाता है और फर्मेंटेशन प्रोसेस जो है पूरी तरह से हो पाती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आपसे कोई पूछे कि फर्मेंटेशन प्रोसेस के कारण या फर्मेंटेशन प्रक्रिया के कारण कौन सा फायदा सबसे ज्यादा हुआ इंसानों को, या फर्मेंटेशन प्रक्रिया के उत्पाद क्या हैं, या किण्वन प्रक्रिया के कारण कौन सी इंडस्ट्रियां हिंदुस्तान में, न केवल हिंदुस्तान में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे ज्यादा फली और फूली, तो आपने कहना होगा कि बेकरी इंडस्ट्री और निश्चित रूप में वाइन इंडस्ट्री, क्योंकि इन दोनों इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं, इस इंडस्ट्री में आटा लेते हैं और आटे को सड़ाते हैं निश्चित रूप में, तो हमको क्या मिलता है, बेकरी प्रोडक्ट मिलते हैं। वाइन बनाने के लिए हम फ्रूट लेते हैं और फ्रूट को जब हम सड़ाते हैं तो निश्चित रूप में एथिल अल्कोहल मिलता है। कहने का सीधा सा मतलब है कि चाहे बेकरी इंडस्ट्री हो और चाहे वाइन इंडस्ट्री हो, ये दोनों के दोनों इंडस्ट्रीज जो हैं, ये यीस्ट नामक सूक्ष्म जीव जो कि एक कवक है, इसके कारण फली और फूली। तो बायोटेक्नोलॉजी के चार युगों को जब हम पढ़ते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी का जो दूसरा युग है वो पूरी तरह से इन्हीं सूक्ष्म जीवों को समर्पित है। उनमें से एक सूक्ष्म जीव आपका यीस्ट है, और बायोटेक्नोलॉजी के द्वितीय युग में बेकरी प्रोडक्ट्स और वाइन इंडस्ट्री को जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली थी, इसलिए हम इनको आज भी याद रखते हैं। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि गुथे हुए आटे से हम ब्रेड बनाते हैं, तो ब्रेड इंडस्ट्री जो सरवाइव कर रही है वो निश्चित रूप में फर्मेंटेशन प्रोसेस के कारण। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट है कि चाहे हम गन्ने के रस से चीनी बनाएं या फिर हम शराब वगैरह बनाएं, तो भी दरअसल में किण्वन प्रोसेस या फर्मेंटेशन प्रोसेस जो है वो अहम रोल प्ले करती है। अब इसके बाद आते हैं प्रोबायोटिक, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहले तो मेरी एक बात आप समझ लीजिएगा, हमारी बॉडी में बहुत सारे मित्र बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं और कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं जो डिसीज या रोग उत्पन्न कर देते हैं, और जो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आकर डिसीज प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम पैथोजन कहते हैं। मतलब हमारी बॉडी में गुड बैक्टीरियाज भी हैं जो हमारी हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद करते हैं, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो हमको रोगी करते हैं या रोग ग्रसित भी बनाते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, यदि हमारी बॉडी में गुड बैक्टीरिया का नंबर कम हो जाता है तो ऑब्वियसली सी बात है कि शत्रु बैक्टीरिया या एनिमी बैक्टीरिया का नंबर बढ़ चुका है, और जब भी एनिमी बैक्टीरिया का नंबर बढ़ता है तो उनको समाप्त करने के लिए या उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए ही ली जाती है एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक दवाएं। मतलब एंटीबायोटिक आर दोज मेडिसिन जो कि बैड बैक्टीरिया या जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं पैथोजन या हिंदी में कहते हैं रोग कारकों, उनको समाप्त करती है। और यदि मैं आपसे पूछूं कि गुड बैक्टीरिया कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले आप नाम देखिए, इस्चीरिया कोलाई। ये बैक्टीरिया हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में कोलोन पार्ट जो होता है निश्चित रूप में वहां विटामिन के की फॉर्मेशन करता है, और साथ ही साथ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हमको इसीलिए नहीं हो पाती है क्योंकि हमारे पेट में पाया जाता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। तो जब कभी भी इन बैक्टीरिया का यदि नंबर कम होगा, गुड बैक्टीरिया का नंबर कम होगा, तो फिर हमको लेना पड़ता है आउटसाइड में से यालकुट जैसी मेडिसिन, या तो फिर दही, या तो कुछ मिल्क या मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट, और स्पेशली इसमें साउथ इंडियन फूड को भी हम कंसीडर कर सकते हैं जैसे इडली डोसा वड़ा, इनको कहते हैं फर्मेंटेड फूड। तो याद रखिएगा मैंने तीन बातें बोली, पहला है यालकुट मेडिसिन, निश्चित रूप में ये मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी, दूसरी चीज दही, इसके बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं, जिसे हम कर्ड कहते हैं, और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण सबसे इंपॉर्टेंट चीज साउथ इंडियन ट्रेडिशन का जो फूड होता है, ये तीनों के तीनों दरअसल में प्रोबायोटिक हैं। और प्रोबायोटिक जो हैं, याद रखिएगा, ये गुड बैक्टीरिया के नंबर को इंक्रीज करते हैं। जब भी गुड बैक्टीरिया का नंबर इंक्रीज होगा, नो डाउट ये बैक्टीरिया का नंबर होगा डिक्रीज। तो यदि आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ प्रोबायोटिक,
तो आपको सबसे पहले टिपिकल वर्ड ना बोलकर एकदम सिंपल तरीके से शुरुआत करनी है कि हमारी बॉडी के अंदर जो अच्छे जीवाणु हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो अच्छे सूक्ष्म जीव हैं, उनकी वृद्धि को जो चीज बढ़ाती है वो प्रोबायोटिक कहलाती है। और निश्चित रूप में प्रोबायोटिक के कारण अच्छे जीवाणुओं का नंबर जब बढ़ेगा तो बुरे जीवाणुओं का नंबर अपने आप कम होगा। लेकिन अब अगर कोई आपसे पूछे कि एंटीबायोटिक क्या कहलाती है, तो एंटीबायोटिक जो है ये बैड बैक्टीरिया के नंबर को क्या करती है, डिस्ट्रॉय करती है या समाप्त करती है। तो कहने का मतलब है कि बैड बैक्टीरिया पर टारगेट करेगी एंटीबायोटिक, मतलब प्रतिजैविक, और गुड बैक्टीरिया के नंबर को इंक्रीज करेगा, हमारी हेडिंग है जिसे हम कहते हैं प्रोबायोटिक। तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्रोबायोटिक क्या कहलाते हैं, तो देखिए मैंने सिंपल तरीके से जो आपको समझाया वही चीज मैंने यहां बोली है कि दरअसल में प्रोबायोटिक एक तरह के सूक्ष्म जीव हैं, या सूक्ष्म जीवों का ही दरअसल में ग्रुप है, जिनमें मित्र बैक्टीरिया जैसे लैक्टोबैसिलस का नाम लिखा मैंने, ई कोलाई का नाम लिखा, ये मानव शरीर के अंदर उपस्थित होते हैं और मानव शरीर के अंदर उपस्थित होकर शत्रु बैक्टीरिया के नंबर को बढ़ने से रोकते हैं। क्यों? क्योंकि निश्चित रूप में अगर आप लैक्टोबैसिलस और ई कोलाई मित्र बैक्टीरिया को ज्यादा मात्रा में लोगे तो ये शत्रु बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देंगे और इस तरह से आपकी हेल्थ जो है बेहतर हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ प्रोबायोटिक फूड। मतलब जो आप दही खाते हैं, जो आप यालगुट लेते हैं, इसमें लाखों और करोड़ों बहुत से यूजफुल बैक्टीरिया आप अपने बॉडी के अंदर भेजते हैं और वही दरअसल में प्रोबायोटिक मेडिसिन कहलाती है। तो याद रखिएगा, भारत के दक्षिणी भाग में लोकप्रिय जो फूड है ये प्राकृतिक फर्मेंटेड फूड है या प्राकृतिक किण्वित भोज्य पदार्थ हैं, जिनको हम शुरू से औषधि के रूप में, हमको आज प्रोबायोटिक लेना चाहिए लेकिन हम भोजन के रूप में शुरू से ही दरअसल इनका प्रयोग करते आ रहे हैं। इसके बाद जल्दी से हम देखते हैं एंटीबायोटिक। तो मैंने अभी आपको बताई कि एंटीबायोटिक दरअसल में वे रासायनिक दवाएं हैं या वे केमिकल दरअसल में मेडिसिन है जो कि एनिमी बैक्टीरिया, जिनको कहते हैं पैथोजन, जो रोग क्रिएट करते हैं या हमारे ब्लड में मौजूद होकर हमको डिसीज प्रोवाइड कराते हैं, उनके नंबर को या उनकी ग्रोथ को सडनली स्टॉप कर देती हैं। मतलब एंटीबायोटिक और दोज मेडिसिन जो कि पैथोजन को डिस्ट्रॉय करती हैं, पैथोजन को किल करती हैं। लेकिन याद रखिएगा, एंटीबायोटिक हमेशा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में बैक्टीरिया को 95% किल करेंगे, 2-3% प्रोटोजोअल इन्फेक्शन को खत्म करेंगी और 1-2% जो है फंगल इन्फेक्शन को खत्म करेंगी। हमेशा याद रखिएगा, एंटीबायोटिक दवाओं से वायरस को किल नहीं किया जा सकता, क्योंकि एंटीबायोटिक मेडिसिन जो है वो केवल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को समाप्त करती है। ये जीवाणु जनित समस्याओं को यदि सॉल्व करना है तो आप एंटीबायोटिक मेडिसिन लें, वो सेफ होंगी। सबसे पहली एंटीबायोटिक दवा, इसे पेनिसिलिन के नाम से जाना जाता है, और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928-29 में इसे खोजा था, और वो भी खोजा नहीं था, ये गलती से ही दरअसल में उनके सामने ये खोज आ गई थी। दरअसल में उनको सर्दी थी, सर्दी का कारण वो जानना चाहते थे, तो अकस्मात उनके सामने ये एकदम से मिस्टीरियस जो ऑब्जेक्ट है या मिस्टीरियस जो रहस्य है प्रकृति का, ये एकदम से उद्घटित हो जाता है। तो इसके बारे में सोचिए, एमपीपीसीएस ने ऑलरेडी 5 मार्कर में क्वेश्चन पूछा था कि वो कहानी बताइए जो पेनिसिलिन के कारण, पेनिसिलिन की खोज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हालांकि अभी टाइम नहीं है, इसको अपन कभी बाद में और डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेरी बात अच्छे तरीके से सुनेगा, सबसे पहली एंटीबायोटिक जो है, सबसे पहली एंटीबायोटिक एक कवक से प्राप्त की गई थी जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम, कवक का नाम है और पेनिसिलियम नोटेटम कवक से ही निकाला गया था पेनिसिलिन को। लेकिन सब वर्तमान समय में जितनी भी एंटीबायोटिक दवाएं हैं वो हम अब कवक से प्राप्त नहीं करते, वो जीवाणुओं से प्राप्त कर रहे हैं। मतलब आज के समय की एंटीबायोटिक को हम जीवाणुओं से, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्राप्त कर रहे हैं। सबसे पहली वो मेडिसिन या सबसे पहली वो एंटीबायोटिक जिसको पहली बार हमने किसी बैक्टीरिया से प्राप्त किया था, याद रखिएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन का नाम आपने जरूर सुना होगा। साल 1942 में वॉक्समैन नामक साइंटिस्ट ने इसकी खोज करी थी, और जी हाँ, साल 1942 में खोजी गई दवा स्ट्रेप्टोमाइसिन सबसे पहली एंटीबायोटिक है जिसको बैक्टीरिया से प्राप्त किया गया था। मतलब कवक से प्राप्त की गई सबसे पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है और बैक्टीरिया से प्राप्त की गई सबसे पहली एंटीबायोटिक का नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो एंटीबायोटिक वे मेडिसिन है जो कि सूक्ष्म जीवों की संख्या को
बहुत हद तक समाप्त करने में मददगार होती। इसके बाद अगर हमारी बॉडी में बैक्टीरियल इंफेक्शन हो गया है तो एंटीबायोटिक दवाओं को लेकर हम निश्चित रूप में बैक्टीरिया संबंधी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। अगर हमारी बॉडी पे वायरल इंफेक्शन है तो फिर एंटीबायोटिक दवाओं से काम नहीं चलेगा, हमको इंटरफेरॉन प्रोटीन लेनी पड़ेगी। और नो डाउट इंटरफेरॉन प्रोटीन वे प्रोटीन हैं जिनकी खोज 1957 में लिंडरमैन साइंटिस्ट ने की थी, और निश्चित रूप में 1957 में लिंडरमैन साइंटिस्ट ने इंटरफेरॉन प्रोटीन की खोज के साथ में पूरी दुनिया को बताया कि जिस तरह से जीवाणुओं के नष्ट करने में या जीवाणुओं के विनष्टीकरण में यदि एंटीबायोटिक सहायक है, जिसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में खोजा था, ठीक उसी तरह से वायरस के डिस्ट्रक्शन में या वायरस के विनष्टीकरण में इंटरफेरॉन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो इस तरह से ये हमारे थ्री मार्कर की सीरीज के ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंटरफेरॉन और निश्चित रूप में जितने क्वेश्चनों को हमने किया।